तो भाई लोग आज का जो प्रीव्यू है वो तो देख लिया, वीडियो कैसा होने वाला है। तो ये जो वीडियो है ये वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखे बिना स्किप किए। और ये जो सॉन्ग है ये सॉन्ग पुरुलिया और झूमर सॉन्ग है, तो प्रीव्यू तो देख ही लिया वीडियो कैसा होने वाला है। तो इस स्टेटस को बढ़ाने के लिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखे, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए। मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ। और वीडियो बनाने में कोई भी परेशानी आए तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और उसके साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो फोटो यूज होने वाला है ये फोटो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और जो इफेक्ट मैं यूज करने वाला हूँ वो इफेक्ट मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो उधर से इफेक्ट को डाउनलोड कर लेना। तो चलिए दोस्त आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इस स्टेटस को बनाने के लिए सबसे पहले एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना, तो मैं एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना और प्रोजेक्ट ऑप्शन में आ जाना। और देखो ये जो सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट और जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है, ये दोनों प्रोजेक्ट को मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों ये जो सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट है, ये सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। तो देख सकते हो ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट में मैं कुछ इस तरह इफेक्ट दे कर रखा हूँ। तो देख सकते हो ये जो बीट है, ये बीट में कुछ भी नहीं करना होगा। देखो ये जो बीट है, ये बीट में मैं इफेक्ट को ऐड करके रखा हूँ। तो प्लीज़ ये जो रेक्ट एंगल है इसको कुछ भी छिड़खानी नहीं करना है। तो सबसे पहले एकदम फर्स्ट में आ जाना, और फर्स्ट में आने के बाद दोस्तों क्या करना होगा, जिस फोटो पे आप वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को ऐड करना होगा, मतलब दो फोटो ऐड करना होगा, ऊपर में एक और नीचे में एक। तो सबसे पहले ऊपर में एक फ़ोटो को ऐड करेंगे, तो ऊपर में फ़ोटो ऐड करने के लिए दोस्तों क्या करना होगा, देखो तो फोटो को ऐड करने के लिए देखो प्लस ऑप्शन को टच करना होगा, मीडिया ऑप्शन में आ जाना, और जिस फोटो पे आप वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को ऐड कर लेना। तो देखो मैं एक फोटो को ऐड कर लिया हूँ। तो फोटो ऐड करने के बाद दोस्तों क्या करना होगा, मूव एंड ट्रांसफर में आ जाना, और जो जूम ऑप्शन है यहाँ पर टच करके इस फोटो को थोड़ा ऐसा करके बड़ा कर लेना, और ऊपर में जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा और ऊपर की तरफ ले जाना, और ऐसा करके यहाँ पर इस फोटो को रखना होगा। और रखने के बाद दोस्तों एकदम लास्ट में चले जाना और एक बार बैक हो जाना, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना। तो देख सकते हो हमारा जो एक फोटो है वो ऐड हो गया। तो ये फोटो को ऐड करने के बाद दोस्तों ये फोटो लेयर को ऐसे साइड में दबा कर रखना और एकदम नीचे ले आना, तो जो सॉन्ग है उसके ऊपर ये फोटो लेयर को रख देना, तो ऐसे दबा के नीचे की तरफ ले आना तो आ जाएगा। और देखो ये जो सॉन्ग है उसके ऊपर यहाँ पर रखना होगा, देखो तो यहाँ पर देखो सॉन्ग देखने को मिल जाएगा। देखो यहाँ पर जो सॉन्ग है इसके ऊपर ये फ़ोटो को रखना होगा, तो यहाँ पर रख देना। तो देख सकते हो कुछ इस तरह इफेक्ट में ऐड करके रखा हूँ। तो दोस्तों दूसरा फोटो को ऐड करना होगा, तो दूसरा फोटो ऐड करने के लिए दोस्तों क्या करना होगा, देखो ग्रुप एंड मास जो लेयर है ये लेयर को टच करना और एडिट ग्रुप में चले जाना। ये ग्रुप में आने के बाद दोस्तों देखो यहाँ पर ग्रुप के अंदर एक फ़ोटो को ऐड करना होगा, तो फोटो ऐड करने के लिए प्लस ऑप्शन को फिर से टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना और दूसरा फोटो को ऐड कर लेना। तो देखो मैं एक फ़ोटो को ऐड कर लिया हूँ, और ये फ़ोटो को ऐड करने के बाद दोस्तों क्या करना होगा, ये जो मूव एंड ट्रांसफर में यहाँ पर टच करना और नीचे की तरफ ऐसे करके सेट कर लेना और एकदम लास्ट में चले जाना, और ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना, तो ये जो फोटो लेयर है ये फोटो लेयर एकदम लास्ट में आ जाएगा। तो ऐसे साइड में दबा कर रखना फोटो को, और ये जो लेयर है उसके नीचे ये फोटो लेयर को रख देना। तो देख सकते हो कुछ इस तरह हमारा फोटो यहाँ पर एडिट हो गया। तो एक बार बैक हो जाना और देख लेना ठीक से एडिट हुआ कि नहीं। तो देख सकते हो हमारा जो फोटो है वो ठीक से एडिट हो गया। तो दोस्तों अगर ये फ़ोटो को फिर से एडिट करना चाहते हो तो फिर से ये ग्रुप लेयर को टच करना और एडिट ग्रुप में चले जाना, और यहाँ पर आने के बाद ये जो फोटो है ये फ़ोटो को टच करना होगा, मूव एंड ट्रांसफर में चले जाना और ऐसे करके छोटा कर लेना, देखो और ठीक से एडिट कर लेना। उसके बाद फिर से बैक हो जाना और देख सकते हो ये जो फोटो है फोटो हमारा थोड़ा छोटा हो गया, तो मतलब एडिट हो गया। तो ऐसा करके फ़ोटो को ऐड कर लेना, और फोटो ऐड करना हो जाने के बाद दोस्तों क्या करना होगा, देखो एक बार बैक हो जाना और यहाँ पर जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट में आ जाना, और ये प्रोजेक्ट में आने के बाद देखो यहाँ पर जो दो रेक्टेंगल है ऐसे साइड में दबा के सिलेक्ट कर लेना, और यहाँ पर जो ऑप्शन यहाँ पर टच करके ये जो कॉपी टू लेयर जो है इसको कॉपी टू लेयर कर लेना। उसके बाद बैक हो जाना और फिर से सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट में आ जाना, और ये प्रोजेक्ट में आने के बाद दोस्तों क्या करना होगा, यहाँ पर दो लेयर को पेस्ट कर देना, जो दो लेयर को अभी कॉपी किया। तो फर्स्ट बिट में आ जाना और ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करके पेस्ट टू लेयर कर देना, तो ये जो दो लेयर है यहाँ पर पेस्ट हो गया, देख सकते हो। तो दोस्तों अब क्या करना होगा, एकदम लास्ट में चले जाना, लास्ट में जाने के बाद ये जो दो लेयर है दो लेयर को एकदम लास्ट में लाना होगा, तो उसके लिए एक लेयर को टच करना और ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना। उसके बाद फिर से दूसरा लेयर को टच करना, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना, तो देख सकते हो दूसरा लेयर
हमारा एकदम लास्ट में आ गया। तो दोस्तों ऐसा करके दो लेयर को एकदम लास्ट में ले आना, और लास्ट में ले आने के बाद दोस्तों क्या करना होगा, ये जो फोटो है ये फोटो में आप इफेक्ट देंगे दो फोटो में। तो देखो ये जो फर्स्ट में ये फोटो में इफेक्ट देंगे, तो ये फोटो में इफेक्ट देने के लिए दोस्तों बैक हो जाना, और ये जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट में आ जाना। देखो यहाँ पर जो फोटो लेयर है ये फोटो लेयर को टच करना होगा, इफेक्ट में आ जाना, फिर उसको टच करके कॉपी इफेक्ट कर लेना, उसके बाद बैक हो जाना, और फिर से सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट में आ जाना। और ये प्रोजेक्ट में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे देखो ग्रुप से बाहर जो फोटो है ये फोटो में ये इफेक्ट को देना होगा, मतलब एक ही इफेक्ट को दो फोटो में देना होगा। तो सबसे पहले ये फोटो में देना होगा ये इफेक्ट को, तो ये फोटो लेयर को टच करना, इफेक्ट में चले जाना, थ्री डॉट को टच करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो देख सकते हो ये फोटो में कुछ इस तरह हमारा फोटो ऐड हो जाएगा। तो ये जो फोटो है ये फोटो थोड़ा हिलेगा देखो, और दूसरा जो फोटो है ये दूसरा फोटो में अगर ये इफेक्ट को देना चाहते हो तो ये जो एडिट ग्रुप है यहाँ पर चले जाना, और ये जो फोटो लेयर है ये फोटो लेयर में ये इफेक्ट को दे देना, और अगर नहीं देना चाहते हो तो कोई बात नहीं, नहीं देना तो एक ही फोटो में ये इफेक्ट को दे देना, एक ही फोटो में ये इफेक्ट को दे देना। तो मैं एक ही फोटो में ये इफेक्ट को दिया हूँ। तो दोस्तों आप क्या करना होगा, एक पीएनजी फोटो को ऐड करेंगे, तो पीएनजी फोटो ऐड करने के लिए प्लस ऑप्शन को टच करना, और दोस्तों क्या करना होगा मीडिया ऑप्शन में आ जाना, और यहाँ पर देखो ये जो पीएनजी फोटो है ये पीएनजी फोटो को ऐड कर लेना। पीएनजी फोटो को ऐड करने के बाद मूव एंड ट्रांसफर में आ जाना, और नीचे की तरफ ले आना, जहाँ आप रखना चाहते हो ये पीएनजी फोटो को उधर ले आना, और जूम ऑप्शन में आ जाना, थोड़ा छोटा कर लेना। छोटा करने के बाद दोस्तों एक बार बैक हो जाना, और एकदम लास्ट में चले जाना, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना। तो देख सकते हो हमारा जो पीएनजी फोटो है वो हमारा ऐड हो गया। दोस्तों अब क्या करना होगा, फिर से फर्स्ट में आ जाना, और फर्स्ट में आने के बाद यहाँ पर एक बॉर्डर को ऐड करेंगे, जो बॉर्डर मैं कल यूज किया था उसी बॉर्डर को यहाँ पर ऐड करेंगे। तो आपके पास नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उधर से डाउनलोड कर लेना। तो उस बॉर्डर को ऐड करने के लिए प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना, और ये जो बॉर्डर है ये बॉर्डर को ऐड कर लेना। देखो ये वाला जो बॉर्डर है ये बॉर्डर को ऐड कर लेना। तो ये बॉर्डर को ऐड करने के बाद दोस्तों क्या करना होगा, एकदम लास्ट में चले जाना, और ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना। तो ये जो लेयर है इसका जो लेयर है एकदम लास्ट में आ जाएगा, बॉर्डर का लेयर। तो दोस्तों हमारा जो स्टेटस वीडियो बनकर तैयार हो चुका है। तो दोस्तों ऐसा करके आप स्टेटस को बना लेना, और स्टेटस बनाना हो जाने के बाद दोस्तों क्या करना होगा, यहाँ पर देखो जो शेयर ऑप्शन है यहाँ पर टच करना, और इधर से वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। तो दोस्तों मेरा आज का वीडियो इतना ही था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद।